या सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज इसरो पेपर फॉर डबल ई इन द ईयर 2020। सो दिस पेपर हैज केम फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। सो दिस दिस वॉट एक्चुअली देर वॉज 80 क्वेश्चन विच वी हैव टू डू इन 90 मार्क्स 90 मिनट्स, एंड देर वॉज नो कैलकुलेटर वॉज अलाउड इन दिस पेपर। तो ये बात ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे, जो भी क्वेश्चन कवर थे वो काफ़ी अच्छे, मतलब पैटर्न के क्वेश्चन थे, जो भी क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन विजिबल हैं प्रॉपरली। और जो मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो मशीन्स के थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का काफ़ी ज़्यादा इसमें पोर्शन इन्वॉल्व था। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है ईएमपी से आए हुए थे, और बाकी जो कंसेप्ट, बाकी ऑलमोस्ट सारा कवर था। मतलब नेटवर्क भी प्रेजेंट था इसमें, सिग्नल सिस्टम भी प्रेजेंट था, और मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पोर्शन जो कवर था वो ईएमटी का ही था बस। मतलब मोस्टली मुझे लगता है 80 में से 10 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो इसी के थे, मतलब ईएमटी के ही थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं कि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो ईएमटी का ही है। और 2020 में जो वैकेंसी थी इसरो की, वो 2 से 4 वैकेंसी के आसपास ही थी, जिसके लिए हमें लगता है 30 साल, मतलब 50,000 के आसपास लोग जो है अप्लाई किए थे इसमें, सिर्फ 3 या 2 या 4 वैकेंसी के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए था। अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ जो है कवर है इसमें, मोस्टली मोस्टली चीज़ जो है कवर है इसमें। सिग्नल सिस्टम वगैरह हर हर सब्जेक्ट को जो है इन्होंने कवर किया था काफ़ी अच्छे से। काफ़ी अच्छा पेपर, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन लगाना आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा आपकी प्रिपरेशन में। तो जब भी गेट अगर आप देने जाएँ 2022 का, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएँ। और इसरो के जो क्वेश्चन होते हैं ये मोस्टली, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो, मतलब मोस्टली क्वेश्चन ऐसे थे जो गेट प्रीवियस ईयर से मैच खाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा अलग नहीं था। देखें तो मतलब 80 में से मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 40 से 45 क्वेश्चन जो थे वो बहुत आसान थे, कोई भी कर लेता, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन थे उसके लिए ही मेन पॉइंट था। तो ये क्वेश्चन थे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन जो थे वो लिटरली बहुत डिफिकल्ट थे, मतलब विच रिक्वायर सम कैलकुलेशन। जैसे ये क्वेश्चन जो था मैथ्स का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब इट रिक्वायर समथिंग 2 to 3 मिनट्स। ये तो आसान, ये सब आसान क्वेश्चन थे। ये मैथ्स भी काफ़ी अच्छा, अच्छे खासा प्रिपेयर, मतलब कवर किया गया सिलेबस में। इन सारे क्वेश्चन का सलूशन मैं दूंगा अपने अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। एक एक का सलूशन, मतलब एवरी क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन प्रॉपरली, और हर एक का सलूशन प्रॉपरली दिया जाएगा। ये क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का था। बाकी जो भी क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, विच कंज्यूम्स टाइम, इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स लेंथी क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। मैथ मैथ्स भी काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी गई थी इसमें। अब मैं धीरे धीरे ट्राई करूँ ताकि वो हर क्वेश्चन को प्रॉपरली रुक के पढ़ के कर सकें। ये एक एक क्वेश्चन था नेटवर्क का। ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिकल या ईसी दोनों में, नेटवर्क में, एज ए नेटवर्क में गेट में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस जो है काफ़ी ज़रूरी थी उसकी। ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। देखो ये मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो ईएमटी से ही रिलेटेड थे, मोस्टली क्वेश्चन अगर देखेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन जो है ईएमटी से ही रिलेटेड थे। मतलब ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप अनुमान लगाओ तो ईएमटी के ही थे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड आपके सारे सॉल्यूशन आपको जो है कुछ नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, मतलब अपलोड मैं कर दूंगा। थैंक यू।